हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ पटेल। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था। इसका सबसे पहले हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी होती क्या है, मतलब होने के चांसेस। चलो भाई, आज बारिश होने वाली है, मेरे इतने मार्क्स आने वाले हैं, तो ये जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी। तो इसके वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी, चांस, पॉसिबल। ये सारे वर्ड्स शो करते हैं कि इसकी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करना है और करना है। पहले कुछ फॉर्मूलाज है जिसको हमें ध्यान करना है कि प्रोबेबिलिटी ई दैट मीन्स यहां पर है इवेंट। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कि होने के चांस क्या है, दैट इज पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि जो हमें चाहिए, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की कितने पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम करते हैं कि एक कॉइन लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो हमने लिया रुपीस 5 का कॉइन लिया, ठीक है। अब जब इसको हम टॉस करेंगे, ठीक है, इफ वी टॉस इट, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये हेड होगा या फिर टेल आएगा। ओके, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है। अब दो में से जब ये डाउन होगा, ठीक है, तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स कितने, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम दो है, मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, जब अगर हम फॉर एग्जाम्पल की करते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स ऑफ हेड, हेड आने के कितने चांसेस है, तो सिर्फ एक ही है। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स एक ही है, तो हेड आने का कितने चांसेस है, ओनली 1/2। सेम वे अगर टेल आने के कितने चांसेस है, अगर हम टेल का करते हैं दैट इज आल्सो 1/2, क्योंकि एक ही पॉसिबल है कि या तो हेड आ सकता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, दो। तो हमारा फेवरेबल कौन सा है वो हमें शो करना है, और टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें डिनोमिनेटर में शो करना है। क्लियर? इसके बाद कि ये तो हमने चलो कि पॉइंट का लिया, अगर हम डाइस लेते हैं तो डाइस में क्या होता है, डाइस में टोटल कौन से नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 6 होते हैं। ओके, अगर हमें देखना है कि पॉसिबल आउटकम्स ऑफ नंबर 1, ठीक है, 1 आने के कितने चांसेस है, अभी यहाँ पर फेवरेबल तो हमारा 1 है, सिर्फ एक ही चांस होगा उसका, ठीक है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल 6 है, ठीक है। ये टोटल आउट ऑफ 6 नंबर्स 1 आने के सिर्फ एक ही चांसेस है यहाँ पर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 दैट इज 1/6। अगर सेम वे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा, नहीं, चांसेस नंबर ऑफ चांसेस हमें लिखते हैं, जो वो भी क्या होगा 1/6। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 है, उसमें से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1। क्लियर? तो इस तरह से हम डाइस के बारे में भी कर सकते हैं। उसके बाद नोट इट डाउन, ये फॉर्मूला
इसके बाद एक चीज याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा जीरो से ज्यादा होगी और वन से इक्वल टू वन लेस होगी। कैसे? कि अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी कब जीरो होगी, अगर मैं कहूँ कि किसी चाइल्ड के उड़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी चाइल्ड के उड़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी वन कब होगी, अगर प्रोबेबिलिटी वन कब है कि अगर हम कहें कि यहाँ पे अगर जीरो है दैट इज नॉट पॉसिबल, या तो हम इसको हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें सन राइजेस इन द मॉर्निंग, ठीक है, सन हमेशा मॉर्निंग में राइज होता है, ये कैसी प्रोबेबिलिटी होगी, श्योर पॉसिबिलिटी। ओके, कि वो इवेंट हमेशा होने वाले दैट इज वन, कि सन हमेशा मॉर्निंग में ही राइज होगा, तो अगर वन प्रोबेबिलिटी आती है दैट मींस कि वो प्रोबेबिलिटी इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी। ठीक है, और अगर जीरो होती है दैट इज इम्पॉसिबल, कि वो इवेंट नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा जीरो से बड़ी होगी और इक्वल टू और वन से छोटी होगी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है, टाइप्स दो होती है, एक एलिमेंट की और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसके सिर्फ आउटकम्स होने के चांसेस सिर्फ वन है, विच हैज ओनली वन पॉसिबल आउटकम। ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसका सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम है, ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे कि ये एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी है। और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कि जिसके होने के चांसेस नहीं है, नो चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लें, दिस इज नंबर टू, यहां पे चल रहा है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार दैट इज इक्वल टू, मतलब कि होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा होके वन आएगी। ओके, जैसे कि हम देखते हैं केस करो, उसको नोट डाउन कर लें। अगर हम देखते हैं डाइस का एग्जाम्पल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन क्या था, 1/6। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग वन क्या होगा, वन नहीं आने के चांसेस क्या है। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 6 है, टोटल नंबर हमारे पास कौन कौन से थे, 2, 3, 4, 5, 6, तो बाकी कितने नंबर बचे, 5। तो नहीं आने के चांसेस कितने हैं, 5। ओके, सो 5/6 इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। ठीक है, अगर इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होता है, सो पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 1 बार दैट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो पी ऑफ 1 क्या होगा, 1/6 प्लस पी ऑफ 2 बार 1 बार दैट इज 1, 5/6 दैट इज 1 प्लस 5/6 दैट इज 6/6, ये हो जाएगा 1। ओके, तो हमेशा ये याद रखना है कि पी ऑफ ई दैट इज पॉसिबल इवेंट प्लस नॉट पॉसिबल इवेंट हमेशा होगी 1 होगा। इसको अगर आप इसका फॉर्मूला क्रिएट करना है तो ये भी आप लिख सकते हो, दैट इज 1। इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी ऑफ ई दैट इज पॉसिबल 1 माइनस पॉसिबल इवेंट, then you will get the not possible again. Okay? तो ये था इंट्रोडक्टरी, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।